कटरा में 200 से 300 ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन पंजीकृत है, जो श्रद्धालुओं को अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही ट्रेवल एजेंट्स को अपनी दुकानें खोलने की इजाज़त है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रशासन यह समय की पाबंदी को पूरी तरह से समय खत्म करे, ताकि एक ओर जहां श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके तो दूसरी ओर ट्रेवल एजेंट्स का भी व्यापार चल सके। वही अश्वनी शर्मा ने कहा कि आधार शिविर कटरा में बड़ी संख्या में अवैध टैक्सी चालकों का धंधा फल फूल रहा है। ना तो यह अवैध टैक्सी चालक किसी टूर ऑपरेटर के साथ पंजीकृत हैं और ना ही किसी टूर ऑपरेटर से पंजीकरण वाउचर आदि कटवाते हैं, जिसके चलते जहां एक और अवैध टैक्सी चालक श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। जो भी बिना बोचर के गाड़ी कट्टा से जो भी बिना बोचर के गाड़ी निकलती है, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन नाके हैं हमारे, एक शिवखोड़ी का मेन नाका है, एक शिवखोड़ी का है, एक जम्मू के लिए और एक पत्नीटॉप के लिए है। वहाँ पे नाके लग रहे हैं और एसपी साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि आप हमारे साथ रहो, मैं आपको अपनी पुलिस देता हूँ, आप बिल्कुल अकेले मत जाओ, पुलिस मैं देता हूँ, आप वहाँ पे चेक करो। चेक करने के बाद जो बोचर जिसके बाद ट्रेवल का बोचर होगा उसको परेशानी नहीं की जाएगी। मैं दावे से बोलता हूँ, मेरे जितने आदमी हैं ये भी बता सकते हैं कि कोई भी अगर 100 गाड़ी जा रही है, 100 गाड़ी से 5 गाड़ी जा रही है ट्रेवल से और 95% गाड़ी जा रही है बाहर से होटल से और जो बाहर से जो पंडे बेचते हैं वो। और हमारी सबसे पहले आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में हमने ऐसे मुद्दे रखने में तो 50-100 मुद्दा है, लेकिन 2 मुद्दों पे हमने यहाँ पे बात की। एक तो सबसे पहले हमने अपना टाइम ठीक करवाना है, क्योंकि टाइम दिए हुआ है हमें यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम दिए हुआ है 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे के बाद तो यात्री बाहर निकलता है खाना खाने बाहर निकलेगा वो, तो हम उनके साथ बात करेंगे वो कहाँ घूमने जाना है। तो 9 बजे से पहले 9 बजे के बाद हम ट्रेवल खोलते हैं, तो 9 बजे से पहले यात्री हो जाता है और टाइम दिया हुआ है इन्होंने हमें 9 बजे का हम कौन सी सवारी भेजेंगे, कहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे। रामपुर गाड़ियाँ रोक रहे हैं, वो कोविड यात्री की कोविड रिपोर्ट मांग रहे हैं, आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट मांग रहे हैं। जो कि यात्री घर से आता है और 1 हफ्ता यहाँ पे रहता है, यहाँ आता है पहले दिन आता है, 2 दिन पहले की रिपोर्ट होती है, वैष्णो देवी दर्शन करने जाता है, शिवखोड़ी घूमता, पत्नीटॉप घूमता, उसके बाद जब हिमाचल जाता है तो उसको लखनपुर में रोक दिया जाता है। इसके लिए भी हमने बात की थी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं उनसे अपने डीप काम से बात करूंगा, उसके बाद ये जो भी फैसला होगा आपको बता दूंगा। अभी तक उन्होंने कोई फैसला किया है, एक मीटिंग उन्होंने कल रखी हुई है जम्मू में, जो मीटिंग है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लाख रुपया दिया हुआ है हर ट्रेवल एजेंट को, हर ट्रेवल एजेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होगा उसको 10 लाख देना है। अब जो कल क्लैरिफिकेशन करेंगे कि किसको 10 लाख मिलना, हमें भी मिल सकता है या नहीं मिलता जो रजिस्टर्ड है, वो अभी फिलहाल वो कल क्लियर करेंगे, वो कल बताएंगे इसके लिए। कार्रवाई की जाए।